हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही टेस्टी और मीठी मीठी सी फ्रेंड्स रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने चुकंदर का हलवा लेके आया हूँ फ्रेंड्स। जी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। चुकंदर आप लोग तो खुद ही जानते हैं, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है, आदमी, औरत या बच्चे, सभी लोग चुकंदर या बीटरूट का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं फ्रेंड्स। जिन लोगों को नहीं पसंद है उनको मैं इस तरीके से बनाऊंगी, जो कि जिनको नहीं पसंद होगा वो भी चुकंदर का हलवा खाना स्टार्ट कर देंगे। ये किसी भी एंगल में हमको हान पहुँचाने वाला नहीं है फ्रेंड्स। ये शरीर में खून की कमी की भी बहुत पूर्ति करता है। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से बना के तैयार किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो चुकंदर को पहले ही वाश करके इसके छिलके निकाल लिए हैं। उसके बाद मैंने इसको कद्दूकस किया है फ्रेंड्स, आपकी छलनी में, जिस तरीके से मैंने सबसे मोटे वाले में इसको कद्दूकस करके तैयार किया है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, आपको जैसा पसंद हो छोटे या बड़े उसमें भी करके तैयार रख सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने इस तरीके से दो सलजम चुकंदर का ही हलवा बना के फ्रेंड्स आपको दिखा रही हूँ। आपके परिवार में जितना हो उस हिसाब से कम ज़्यादा करिए। ये बहुत ही टेस्टी बनने के बाद फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। ये देखिए, मैंने दो चुकंदर को कद्दूकस कर लिया है फ्रेंड्स। आइए उसके बाद हम आगे की तैयारी देखते हैं। मैंने कढ़ाई को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें डाला 2 चम्मच देसी घी। आप देसी घी से ना पसंद हो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको देसी घी में बनाना है, मगर फ्रेंड्स अगर आप इसको देसी घी में बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही निखर के सामने आता है और बहुत ही यम्मी सा भी लगता है। ये देखिए, उसके बाद मैंने चुकंदर को इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे करके भूनेंगे। हमको हाई फ्लेम पे करके इसको नहीं भूनना है, हमको बहुत ज़्यादा इसको भूनना भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि चुकंदर को तो कच्चा भी खा सकता है। मगर आप इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे करके भूनिएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच छोटी चम्मच चीनी का प्रयोग करी है। चीनी आप अपनी टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें आधी कटोरी मलाई वाले दूध का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। आप इसमें, अगर आपको मलाई नहीं पसंद हो तो आप इसको स्किप करके सादे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूध को गाढ़ा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद हो, या आप इसमें खोए को भी डालकर वैसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर दूध के साथ बना देंगे तो और टेस्ट इसके साथ साथ में ही पक के अच्छी तरीके से तैयार हो सकता है। आइए इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुका है, हमारा चुकंदर का हलवा पूरी तरीके फ्रेंड्स बन के तैयार हो गया है। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर होके तैयार हुआ है। 2 से 3 मिनट ढक कर तैयार होने के बाद फ्रेंड्स हमारा चुकंदर का हलवा पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद हमारा हलवा, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। आप इसे 3 से 4 मिनट में, बहुत ही कम समय में आप तैयार होने वाला ये बहुत ही टेस्टी सा हलवा है, जो कि हमारे शरीर के खून की कमी को पूरी करने में बहुत ही मदद करेगी। जिन लोगों को चुकंदर नहीं पसंद है फ्रेंड्स, आप उनको ज़रूर इस तरीके से मेरे बताए हुए ट्रिक के साथ चुकंदर का हलवा बनाइए और उनको खिलाए, उनको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड्स तो आप कमेंट भी करिएगा ज़रूर। और इसको मैंने, ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही टेस्टी और यम्मी से बना के तैयार किया हुआ है। अगर आपको क्रीम मलाई ना पसंद हो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स आप कम ज़्यादा भी अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो फ्रेंड्स। आप इसको घर पे ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा भी मुझे ज़रूर कि आपको ये खाने में कैसा लगा। हम लोगों को तो बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, इसका टेस्ट चुकंदर से ज़्यादा है। ऐसे हलवा बना के खाएंगे तो वो बहुत ही यम्मी सा लगने वाला है फ्रेंड्स और सभी को पसंद आने वाला है। जिन लोगों को नहीं पसंद होगा वो भी बहुत इच्छा अपनी इच्छा अनुसार आपसे बोलेंगे इसको बना के खिलाएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।